क्योंकि गाइस जो मैं आगे सेव गेम लाने वाला हूँ और जो कार्ड्स लाने वाला हूँ वो सारे उसी के ऊपर सपोर्ट करेंगे। सॉरी गाइस, दिस इज योर फॉल्ट, आप वीडियोस नहीं देखते हो। गाइस फाइनली GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन का नेटफ्लिक्स का वर्जन का मॉड पैक यहाँ पे आ चुका है। जी हाँ गाइस, और ये जो है पूरा का पूरा एक ग्राफिक्स मोड पैक होने वाला है, ठीक है। और इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर आपको बहुत अच्छे ग्राफिक्स जो देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसा कि आप गेम प्ले के अंदर देख रहे हो। और ये वाला जो गेम प्ले है गाइस, किसी और के द्वारा रिकॉर्ड करा गया है, ये किसी और यूट्यूबर का गेम प्ले है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अभी हाल ही में इन्होंने ये खुद से डिजाइन किया है, पूरा क्रेडिट इनको जाता है। और इनके अलावा कुछ और भी यूट्यूबर्स और कुछ और भी सोर्सेज से जहाँ से इन्होंने हेल्प ली है, बट ऑल द थैंक्स टू हिम, बिकॉज इनकी वजह से GTA San Andreas नेटफ्लिक्स के अंदर हम फाइनली मोड पैक को इंस्टॉल कर पाएंगे। और मोड पैक के साथ में यार आपको बहुत अच्छे ग्राफिक्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि आपके GTA San Andreas नेटफ्लिक्स वाले वर्जन को पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। यू नो, काफ़ी टाइम से मुझे लोग बोल रहे थे कि आप GTA डेफिनेटिव एडिशन जो नेटफ्लिक्स का वर्जन लॉन्च हुआ है उसके अंदर हम मोड पैक को कैसे इंस्टॉल करें, मोड्स को कैसे इंस्टॉल करें। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया था कि अभी तक कोई कस्टमाइजेबिलिटी का फीचर हमारे पास नहीं आया है, बट गाइज फाइनली अभी हमारे पास में हमको एक मोड पैक मिल चुका है और साथ में हमें कस्टमाइजेबिलिटी मिल चुकी है गेम के अंदर। ये जो गेम आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ गाइस, ये पूरा का पूरा आपके नया गेम होने वाला है। जी हाँ, और आपके पास जो पुराना गेम है GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन का, इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये वीडियो पूरी देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वीडियो मिस कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आपको मेजर चेंजेस और जो है मॉडिफिकेशंस करने होंगे। वो क्या होगा, कैसे करना होगा, सब इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। और एक और चीज़ कि आपको अपना पुराना गेम डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको नया गेम इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज ये गेम पूरा का पूरा कस्टमाइज है और PC सेटिंग्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि PC की सेटिंग्स ये गेम आपका सपोर्ट करेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये अमेजिंग हुआ जब ये PC का सपोर्ट लेकर के आ रहा है, थैंक्स टू हिज क्रिएटर। एंड अभी मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलूंगा ऑन द ट्यूटोरियल, बिकॉज ऑन द ट्यूटोरियल हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसी फाइल्स को हमें मैनेज करना है, कहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो सब चीज़ें दिखाने वाला उस वीडियो में। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गो इन टू ओके। तो मैं अपने फ़ोन में आ चुका हूँ और गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को 2-3 फाइल्स देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। डाउनलोड डेटा मैनुअल, ये आपको डाउनलोड क्यों करना है, ये पूरा 6 GB का होने वाला है, मतलब आपको जो पूरा का पूरा गेम है वो डाउनलोड करना है ऑलमोस्ट 8 GB का, 8 GB का आपका पूरा गेम हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये चीज़ आपको कीप इन माइंड रखनी है और इन फाइल्स को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आप पहले आपको क्या करना है, आपको APK को इंस्टॉल करना है। APK इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आपको जो पुरानी APK है उसको जा करके डिलीट कर दो, क्योंकि उस APK का अब कुछ काम नहीं है। हम नई APK को इंस्टॉल करेंगे और सारा इंस्टॉलेशन हम स्टार्टिंग से करेंगे। तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए इफ़ यू वॉन्ट टू इंस्टॉल ग्राफिक्स मोड पैक। तो ये इंस्टॉल हो ही रहा है, इंस्टॉल होने में एक्चुअली बहुत टाइम लगा रहा है, आई डोंट नो, हो गया इंस्टॉल फाइनली। ओके, काफ़ी टाइम लिया है एंड हाँ, उसके बाद में इंस्टॉल हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी APK है तो टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, नीचे जाकर के सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, क्योंकि GTA San Andreas से रिलेटेड तो वीडियो आगे भी आने वाली है, तो कर दो अभी सब्सक्राइब। और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे APK को यहाँ पे जो है ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे वो तो आपको भी पता है कैसे ओपन करेंगे, जाएंगे GTA सर्च करेंगे। ओके, यहाँ पे ये परमिशन ओके करने को बोल रहा है, मैं ओके कर देता हूँ परमिशन को। ओके, तो इसको एक बार ओपन करने से क्या होगा कि हमारा जो है फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मेन पॉइंट, इन सम केसेस ये डाउनलोड नहीं कर सकता है, हो सकता है इशू आ जाए, डाउनलोड नहीं कर पाए, दैट्स वाई मैंने आपको मैनुअल इंस्टॉलेशन की फाइल दी है और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से मैनुअल इंस्टॉल नहीं करूँगा, आई डोंट रिकमेंड यू गाइज कि आप यहाँ से डाउनलोड करो अपना पूरा 6 GB का गेम, ये डाउनलोड होगा भी नहीं। मैंने काफ़ी टाइम तक इसको रखा, ये डाउनलोड नहीं हुआ था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने डाउनलोड
डेटा मैनुअल का जो है आपको फाइल दे दिया है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। सो गाइस फाइनली एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपको ये फोल्डर मिल जाएगा एंड्रॉयड अनप्रोटेक्टेड के नाम से। क्या करना है, यहाँ से आपको कट कर लेना है, डिवाइस स्टोरेज के अंदर जा करके आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है हमारा ये वाला फोल्डर, इसके अंदर आपकी ओबीबी डेटा एंड कुछ और भी फाइल्स रहेगी। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको वापस से जाना है डाउनलोड के फोल्डर में, और यहाँ पे आने के बाद में आपको दिख जाएगा यहाँ पे ग्राफिक्स डेटा। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जो हमने गेम इंस्टॉल अभी किया है वो आपका पीसी के सेटिंग्स का है। ठीक है, यानी कि उसमें अभी तक ग्राफिक्स हमने इंस्टॉल नहीं किया है, एंड ये जो फाइल है ग्राफिक्स डेटा की, इसको हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। ये जो ग्राफिक्स डेटा है इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा छुपा हुआ है ग्राफिक्स मोड पैक। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जो फोल्डर आपको मिलेगा डेटा फोल्डर के नाम से, ठीक है, क्या करना है, डेटा फोल्डर को ऐसे आपको कर लेना है कट, और उसके बाद में डिवाइस स्टोरेज के अंदर जाके एंड्रॉयड अनप्रोटेक्टेड में जा करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दैट्स इट गाइस, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, रिप्लेस का ऑप्शन आएगा तो उसको आपको वहाँ पे जो है रिप्लेस कर देना है। एंड या दैट इज़ इट, आपको इतना ही करना है और उसके बाद में आपका जो गेम है वो रेडी हो जाएगा, रेडी टू प्ले। ठीक है, उसके बाद में आपको गेम आपको स्टार्ट करना रहेगा। सो दिस वॉज ऑल गाइज अबाउट द इंस्टॉलेशन, एंड आप जैसे गेम को स्टार्ट करोगे आपका गेम पूरा नया स्टार्ट होगा और ग्राफिक्स आपके पूरे के पूरे अमेजिंग हो जाएंगे। मैंने अभी आपको वो वाला गेम प्ले नहीं दिखाया क्योंकि जब मैंने अपने फ़ोन में खेला था वो गेम तो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, और यही चीज़ हमको ले जाती है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है आपका फ़ोन कंपैटिबिलिटीज़। तो क्या है ये मोड पैक, अब आपको पता है कि आपका जो पुराना जो GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन नेटफ्लिक्स है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लैग करता है बहुत सारे फ़ोन के अंदर। जब से ये मोड इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत ज़्यादा कस्टमाइज है, ऑब्वियसली ये रिक्वायर करता है बहुत अच्छा डिवाइस, और बहुत अच्छा डिवाइस से मेरा मतलब है कि अगर आपके पास में बहुत ही अच्छा स्नैपड्रैगन वाला फ़ोन है, लाइक वन प्लस के फ़ोन होते हैं और भी एंड्रॉयड के बहुत ज़्यादा पावरफुल हाई एंड जो फ़ोन्स होते हैं उनमें मैं रिकमेंड करूँगा इस वाले गेम को मोड पैक को डाउनलोड करने की, क्योंकि ऑलरेडी गेम बहुत ज़्यादा हाई है और ऊपर से हम इसके अंदर ग्राफिक्स को ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड करेगा आपके फ़ोन के प्रोसेसर को। ठीक है, अब जो लोग मिड एंड डिवाइसेस चला रहे हैं दे कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस मोड, बट एट दी एंड आपको बहुत ज़्यादा लैग फेस करने के लिए मिलेगा। इवन आप रेजोल्यूशन को भी कम कर दोगे तो भी आपको लैग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दिस इज बहुत ज़्यादा जो है हाई एंड वाला है। मैंने अपने जो है ओप्पो के फ़ोन के अंदर चला के देखा था जो कि मिड रेंज का जो है फ़ोन है और मेजोरिटी ऑफ गेम्स चला लेता है, GTA San Andreas को भी बहुत अच्छे से चला लेता है वो। तो क्या हुआ कि उसमें जब मैंने इंस्टॉल किया तो गेम बहुत अच्छे से चल रहा नहीं था, मोड पैक तो इंस्टॉल कर लिया था बट एट द एंड वो लैग कर रहा था। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट गाइस कि अगर आपका फ़ोन अच्छा नहीं है मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा इसको डाउनलोड करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो लोगों ने यहाँ पे इस टाइम तक ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ जानने के लिए मिली है, बट जिन लोगों ने वीडियो को स्टार्टिंग से नहीं देखा अभी तक वो लोग ज़रूर सफ़र कर रहे होंगे और मुझे कमेंट करने वाले हैं कि ये जो मोड पैक है ये काम नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है क्योंकि उन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है। और मैं उन लोगों को यही रिप्लाई देने वाला हूँ वापस से कि यार प्लीज़ इस टाइम पे जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो इस टाइम पे आप वीडियो को एक बार जाकर के देखो अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका फ़ोन अच्छा नहीं है आप इसको डाउनलोड मत करो, दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। एंड गाइज अगर आपने मिस कर दिया है सॉरी गाइज, दिस इज़ योर फॉल्ट, आप वीडियोज़ नहीं देखते हो, ये इस टाइप की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना टाइम मैं ना वेस्ट करें सिंपल आपको बता देता हूँ, ये ग्राफिक्स मोड पैक बहुत ही तगड़ा होने वाला है बट पूरा कस्टमाइज है और फ़ोन अच्छा रिक्वायर करता है। इसी के साथ में ये आपका आज का मोड पैक था। फाइनली आई होप कि ये बहुत अच्छा आपको लगा होगा, एंड इसके अलावा मैं फ्यूचर में और भी वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है अपने गेम के अंदर सारे मिशंस को स्किप कर सकते हो, इस वाले गेम के अंदर किस तरीके से मिशंस को स्किप कर सकते हो। ऑल्सो
आप इसके अंदर स्पोर्ट्स कार्स को कैसे ऐड कर सकते हो, वो भी सब चीज़ें मैं आपको फ्यूचर में बताने वाला हूँ। बट गाइज मैं सजेस्ट करूँगा फॉर माय ऑल दी मॉड पैक जो कि अपने फ्यूचर में आने वाले हैं रिगार्डिंग दिस गेम नेटफ्लिक्स वाले वर्जन के अंदर, आपको क्या करना है, इस वाले गेम को डाउनलोड कर लीजिए बट मॉड पैक को डाउनलोड मत कीजिए, ठीक है। जो डेटा फाइल है वो डाउनलोड मत कीजिए अगर आपका फ़ोन लो है, और मॉड आप जो है पीसी वाले वर्जन को डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, उसी को यूज़ करिए। क्योंकि गाइस जो मैं आगे सेव गेम लाने वाला हूँ और जो कार्ड्स लाने वाला हूँ वो सारे उसी के ऊपर सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको पहले ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ। गाइस आई होप कि ये वीडियो आपने पूरी देख ली होगी, और इस वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इफ़ यू मिस्ड ऑल दिस पॉइंट गाइस प्लीज़ वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्पेशली जो ये दो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अभी उनको अच्छे से देख लीजिए, और इसी के रिगार्डिंग जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस है वो होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बिकॉज सैन एंड्रियास से रिलेटेड वीडियोज़ आ रही है चैनल पर। आई होप कि और भी अच्छी वीडियोज़ हम फ्यूचर में क्रिएट करेंगे अदर कॉन्टेंट्स। साइनिंग आउट।